रियलिटी से राहत ये मिली थी कि आपको अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है तो आप अंदर जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए या बिल्डिंग की मरम्मत वगैरह करने के लिए जा सकते हैं, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये बात साफ तौर पे कही गई थी। उसके बावजूद भी ये मामला इतना राजनीतिक दृष्टि से तूल पकड़ने लगा, जिसके चलते आपने आज ये सिचुएशन आते हुए देखी कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सरकार को ऐसा लगता है कि ये एक मुद्दा बन जाएगा अगर उन्होंने कंपनी की किसी भी तरह से मदद की, तो वो तो एक इशू रहने वाला है। अब बाकी के ट्रिगर्स अगर उन पर नजर डालें, एक तो हमें इंतजार है कि गोवा से कोई क्लियरेंस मिले, अभी तक तो आया नहीं है। हाँ, इनकी जो सब्सिडरी है केन, उसको जो हाल में ब्लॉक्स मिले हैं वो एक अच्छा ट्रिगर था इनके लिए। और फिर कुल मिलाकर ये स्टॉक चलता है ग्लोबली कमोडिटी के भाव के साथ, तो वो भी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। वेदांता के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लंबी अवधि के लिहाज से इस स्टॉक पर नज़र रखते हैं, तो इस समय ये काफ़ी अच्छे लेवल पर आ गया है, एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल गया है। अगर आप ले करके बैठना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं, तो इस समय आप एंट्री लीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो अभी भी इसने बहुत साफ संकेत नहीं दिए हैं कि ये बॉटम आउट हो रहा है। लग रहा था हमें कि शायद बॉटम आउट हो गया है, पिछले हफ्ते तक लग रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते और इस हफ्ते फिर से सेलिंग शुरू हो गई है। तो ट्रेडर्स के लिए मैं कहूँगा इंतज़ार कीजिए, अगर इन्वेस्टर हैं तो ये लेवल ठीक है। अच्छा, अशोक लेलैंड पे किसले सिंह फिर से पूछ रहे हैं। किसले जी, अभी बताया मैंने कि हम 105 110 पे लेने की बात कर रहे थे, अब ऊपर आने के बाद अगर आपको फिर से मौका मिले गिरावट में 115 120 के करीब, तो वहां आप एंट्री ले सकते हैं। आपकी एंट्री 124 25 के आसपास की है, जो बुरी नहीं है। अभी ये स्टॉक फिर से 105 होने की संभावना हमें नहीं दिखती, अनलेस की बाजार में कोई बड़ी गिरावट आ जाए, वो तो खैर आप कभी कह नहीं सकते। तो आपके लिए अगर आप जल्दबाजी में है और लग रहा है कि आप बहुत लंबा रुकने के मूड में नहीं है, तो आपने 130 के आसपास बुक क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो अभी इंतजार कीजिए, थोड़ा एक बेस बनाकर फिर से चलेगा। और ऊपर के लेवल पर हमें लगता है कि अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे कुछ हफ्तों का कुछ महीनों का, तो फिर से 150 के आसपास के लेवल आपको दिखाई देंगे, वहां निकलिएगा। रवि मिश्रा टाटा मोटर्स के बारे में पूछ रहे हैं, यहां पर ऐसी राय बिल्कुल नहीं है, टाटा मोटर्स की राय बिल्कुल अलग है, अभी इससे दूर ही रही है, समझ में नहीं आ रहा है, जब समझ में आएगा तो हम आपको बताएंगे। अभी भी टाटा मोटर्स में नए लोज और बनने की संभावना बरकरार है। एपेक्स फ्रोजन 550 पे 150 शेयर लॉन्ग टर्म व्यू से इरशद अली पूछ रहे हैं। इरशद जी, एपेक्स फ्रोजन आपने देखा कि इसमें सर्किट दोनों तरफ के बहुत जबरदस्त लगे, और इस पूरे सेगमेंट पे आप अगर इसी सेगमेंट में वाटर बेस जैसे दूसरे स्टॉक भी ढूंढते हैं, तो वहां भी वही हाल था। तो इस इंडस्ट्री में कुछ अनिश्चितताएं थी, और फिर साथ ही ये SM के दायरे में जो कंपनीज आ गई उनकी बहुत पिटाई हुई। अब यहां पर स्टेबलाइज हो रहे हैं, लेकिन इस पॉकेट को आपको बहुत ध्यान से ट्रैक करना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एपेक्स ने एक अच्छा बेस तो बनाया है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, क्या पूरी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी एपेक्स फ्रोजन में, मिल भी सकती है, क्योंकि करीब करीब 3 महीने की एक अच्छी रिकवरी हमने आते हुए 3 हफ्तों की एक अच्छी रिकवरी हमने आते हुए देखी थी। अभी भी आप देखिए, कल गिरा था, आज नीचे के लेवल से फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, नतीजे खराब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए, हमें ऐसा ही लगता है कि आपको ये आगे मुनाफा कमा कर देगा। अगर आप कोई नई पोजीशन ले रहे हैं इस समय, तो मेरा ख्याल है कि आप तकरीबन 445 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। PC ज्वेलर में क्या करें, जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए, इस पर कोई दूसरी राय हमने ना दी है और ना हम दे सकते हैं। केस की एनर्जी में देखता नहीं हूँ किशन जी, तो आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। दीपक सेठ HDFC बैंक पूछ रहे हैं। दीपक जी, HDFC बैंक पे व्यू हमारा पॉजिटिव है कि आपको कभी भी मिले ये स्टॉक लेते रहिए, कोई बुरी खबर की वजह से गिरे तो बड़ा अच्छा मौका समझ के ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये स्टॉक हर एक इक्विटी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर आप भारत के बाजार में निवेश करते हैं और आपके पास HDFC बैंक नहीं है, तो आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, एक और सवाल लेने का वक्त है। वक्रांगी नरेंद्र भारद्वाज, वक्रांगी के लिए भी राय वही है जो PC ज्वेलर्स के लिए है, आपको इससे निकल जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, और उससे आपकी पूंजी बची रहेगी, वो पैसे किसी अच्छी कंपनी में आप लगाइए जहां आपको मुनाफा मिल पाए।